तो लिहाजा हम सबको यूनाइट होना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो गिलानी साहब ने बात की, उन्होंने मेन स्ट्रीम को दावत दी कि आप हुर्रियत में, आप प्रो जो उनकी मुत्तहिदा हुर्रियत क़यादत है उसमें शामिल हो जाएं, प्रो रेजिस्टेंस लीडरशिप जो है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्थानीय इकाई, कोई नहीं, इंजीनियर रशीद इज वॉलंटियरली ऑफरिंग टू ज्वाइन हुर्रियत। मैं यूनाइटेड हुर्रियत जो है, जो प्रो रेजिस्टेंस लीडरशिप है, हम खुलूस की बुनियाद पर सिंसियरली ऑफर करते हैं। क्योंकि गिलानी साहब ने जब जो कल बात की, नाउ बाल इज इन हिज कोर्ट, आई हैव सॉट एन अपॉइंटमेंट हिम। इनाम साहब अभी मीरवाइज साहब से मिलने गए थे, वहां पुलिस ने छोड़ा नहीं। गिलानी साहब से हम 8-9 दिन से रابطे में हैं, इससे पहले ही वहां भी अभी उनकी तबीयत भी नासाजगार है और वहां के हालात आपको मालूम है। तो वी विल मीट हिम ऑल्सो, वी विल मीट यासिन साहब ऑल्सो, प्रोफेसर साहब ऑल्सो, अदर्स ऑल्सो, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग मुझे कहेंगे भी, मुझे पता है आपका सवाल होगा फिर आपकी असेंबली में मेरी क्या जाएगी। अगर वो जब हम मिलेंगे तो वी विल चौक आउट द मॉडरिटीज, अगर उसमें वो अच्छा कोई हल देते हैं एमएलए बनने से, वेयर वी कैन प्लीड आवर काज बेटर, आई हैव नो ऑप्शन, बिकॉज मेरा वाहिद मकसद है कश्मीरियों की बात करना, बट फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आई होप यू आर गेटिंग टू माई पॉइंट। जब गिलानी साहब से मिलेंगे ना, इट इज हिज, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आप हमें मिलना चाहिए ताकि हम समझें कि उनके जहन में क्या है, वो किन लाइनों पर मेन स्ट्रीम का सपोर्ट चाहते हैं। वो मेरा मर्जर चाहते हैं, मैं तैयार हूं, वो मेरा मर्जर चाहते हैं हुर्रियत में, मैं तैयार हूं, लेकिन फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये देखना है कि फिर कल एक अच्छा ऑप्शन हो जिससे हम ज्यादा फोर्सफुल तरीके से बात कर सकें। तो यही पैगाम, इसीलिए मैंने आज आपको तकलीफ दी कि पूरी कश्मीरी कौम को आज एक होना चाहिए। बल्कि मैं चाहूंगा कि उमर साहब, पीडीपी, बाकी लोग अगर वो हुर्रियत में ज्वाइन ना भी करते हैं, लेकिन एक लार्जर काज के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाकी को बनाना चाहिए। आई एम स्पीकिंग ऑन माई बिहाफ, खुदा के वास्ते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सारी बात को गौर से समझें और इसको जेन्युइन तरीके से पेश करें। मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं, हम ऑफर करते हैं ओनली ऑन अवर बिहाफ एआईपी एंड इंजीनियर रशीद दैट वी विल लव टू ज्वाइन हुर्रियत द वे गिलानी साहब वांट्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल वी विल डिस्कस व्हाट इज इन हिज माइंड, हम भी अपने ख्याल आ देंगे एंड लेट अस सी अप कॉमन ग्राउंड। और हम तैयार हैं अपनी पार्टी को अपने सारे लोग ज्वाइंट रिलेशनशिप के साथ हाथ बहाथ मिलाने के लिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आई विल लव आंसर। सही आपने कहा, लेकिन उसमें पहली बात यह है कि हमें कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ इंजीनियर रशीद बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है। फिर जो आपने पत्थरबाजों की बात की, वो भी सारे, वी आर ऑल कस्टोडियंस ऑफ द सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशंस एंड सैक्रीफाइसेस। आपको मालूम है कि आर्टिकल 35A को लेकर काफी ज्यादा हलचल है। प्लीज खामोश अच्छा साहब। तो पहले मैं ये अर्ज करूं, आपने देखा कि पहली बार चीफ मिनिस्टर जो है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो फारूक साहब के पास गई, उनसे मिली और उनसे बात की। विदाउट डाउटिंग देम वी वेलकम द मूव। उसके बाद मैडम ने भी ये इशारा दिया कि हम रियासत के खसूसी तशखस को बचाने के लिए सभी लोगों का ताउन चाहते हैं, और जो हमारे रियासत के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। और अलमिया यही था कि जब कहीं ग्रेनेड चलता है, गोली चलती है, तो कोई नहीं कहता कि क्या ये एनसी वाला आया, पीडीपी वाला आया, बायकॉट वाला आया, हु सो एवर कम इन द वे लूज हिज लाइफ। लेकिन जो लीडरशिप थी, दैट ऑलवेज यूज्ड टू बी डिवाइडेड हाउस। हम दिल्ली के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कश्मीरी लीडरशिप को अपनी असलियत से आगाह किया और उन्हें मुत्तहिद होने के लिए एक जला बख्श दी, एक डायरेक्शन दिया। तो उस हवाले से मैं इतना ही कहूंगा, फारूक साहब से खास तौर से उम्मीद है कि इस बार अपना वो वतीरा ठीक रखेंगे और यू विल नॉट चेंज योर स्टंस ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस, आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। और जो आपने मैडम जी के पास गए, बड़ा दिल दिखाया, वी अप्रिशिएट दैट विदाउट बींग पर्फ्यूअर दैट प्रोसेस, क्योंकि दुख हम सबका एक है। लेट अस नॉट डाउट ईच अदर। उसके बाद एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई जो आज हमने मीडिया के थ्रू ही सवेरे देखी। कल गिलानी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने इंतहाई दर्दमंदाना लहजे में
کہا تھا مین سٹریم کے لیڈرز حریت میں شامل ہو جائیں. اگر آپ کو یاد ہوگا اسے دو دن پہلے ہم نے بھی وہی بیان دیا تھا کہ مین سٹریم کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا اٹانی اور سیلف رول کی داستانیں بند کر کے رائے شماری کے مطالبے کے لیے حریت کے ساتھ ہاتھ ملائیں. آئی تھنک تھنگس آر موونگ ان اے پازیٹو ڈائریکشن.